में वर्ष 2000 में स्थापित महाराष्ट्र क्लास ऑनर एसोसिएशन एक गैर लाभकारी संगठन है जिसमें महाराष्ट्र भर के कोचिंग क्लासेस के मालिकों और शिक्षकों को शामिल किया गया है। इस संस्था का प्राथमिक उद्देश्य है कि सभी कोचिंग क्लास मालिकों को एक छत के नीचे लाना है और उनके सामूहिक हितों को और मुद्दों पर जोर देना है। इस वर्ष महाराष्ट्र क्लास ऑनर एसोसिएशन MCOCA ने 17 सितंबर को सन्मुखानंद हॉल में यह देखिए एक भव्य शिक्षक समारोह का आयोजन किया है। इस दौरान 1800 से अधिक शिक्षकों ने यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल, वरिष्ठ प्रोफेसर, लेखक, गैर सरकारी संगठन के लोग जैसे उद्योगपति, समाज सेवक आदि लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कोचिंग क्लास से जुड़े हुए शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग क्लास के जो शिक्षक हैं उनका भी एक अहम योगदान है, ऐसी बात इस मौके पर उपस्थित लोगों ने कही है। आइए आपको हम सुनाते हैं MCOCA को लेकर यहाँ पर एक नया इतिहास रचा गया है जिसमें एक मंच पर 1800 से अधिक शिक्षकों को लाने का काम महाराष्ट्र क्लास ऑनर एसोसिएशन ने किया है। ऑब्जेक्ट यही है कि गवर्नमेंट जब भी टीचर्स डे आता है तभी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है, कॉलेज टीचर्स है, उन लोगों को गवर्नमेंट फेलिसिटेट कर देती है कि उन्होंने अच्छा सर्विस दिया है, एक्सपीरियंस है, बच्चे लोगों का भला किया है। लेकिन कहीं तो कोचिंग क्लास को साइड ट्रैक किया जाता है। जो आप सब लोगों को मालूम है कि कोचिंग क्लास एजुकेशन सेक्टर में आज एक पैरेलल रोल कर रहा है, फिर भी गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हमको किसी रिकग्निशन नहीं मिल रहा। तो हम लोग इसलिए ठीक है भाई, गवर्नमेंट हम लोगों को रिकग्नाइज नहीं कर रहा है तो हम लोग अपने लोगों को रिकग्नाइज करें। तो उस हिसाब से हमारे इंडस्ट्री में जो सीनियर टीचर्स है, जिन लोगों ने बच्चों का भला किया है, हमारे स्टूडेंट भी आज अच्छे अच्छे लेवल पर पहुँच चुके हैं, तो उनका सम्मान हम लोग खुद क्यों नहीं करें। तो इस हिसाब से हम लोग एक टीचर्स डे लास्ट 10 साल से हम लोग करते आ रहे हैं। ये साल बड़ा टारगेट रख के हम लोग ने सन्मुखानंद हॉल बुक किया है और यहाँ पर हम लोग आज के दिन ये टीचर्स डे फेलिसिटेट कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज यहाँ से आप? संदेश मैं ये देना चाहूँगा, पहले तो मेरा संदेश गवर्नमेंट के लिए ये है कि भाई आप हमको स्टेप ट्रीटमेंट मत दो, आप हमको पॉजिटिव एंगल से देखो कि हम लोग भी कोचिंग क्लासेस में काम कर रहे हैं, पैरेलल काम कर रहे हैं। आप कंपटीशन के एंगल से मत देखो, ना हम लोग आपको कंपटीशन के एंगल से देख रहे हैं। हम लोग इसके लिए सर्वाइव हो रहे हैं क्योंकि बच्चों को उसका ज़रूरत है, आपका भी बच्चों को ज़रूरत है, हमारा भी ज़रूरत है। तो ज़रूरत हम लोग एक दूसरे की समझ लें और साथ में मिल के अगर हम लोग काम करेंगे तो 100% बच्चों का भला होगा। तो ये स्कूल कॉलेज टीचर से भी हमारा निवेदन है, प्रिंसिपल से भी निवेदन है, गवर्नमेंट से भी ये निवेदन है कि जब भी कोई एजुकेशन पॉलिसी होता है कोचिंग क्लास लोगों को भी इन्वॉल्व करो, बिकॉज हम लोगों में से भी तो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस है, इंटेलिजेंट है, क्वालिफाइड है, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ इनपुट यहाँ पे दे पाएंगे। ये हमारा गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है। आई एम द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और वी आर ड्रॉइंग लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस पीपल हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर द टीचिंग फ्रेटर्निटी। और आई थिंक स्कूल्स के लिए अवार्ड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बट कोचिंग क्लासेज जो एक पैरेलल एजुकेशन है उधर के लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट लाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन ऐसे लोगों को सम्मानित कर रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रेरणादायी लग रहा है। जिस तरह से कॉलेज स्कूल बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार से जो क्लास होते हैं वहाँ भी उन्हें शिक्षा दी जाती है, उसी को प्रिपेयर किया जाता है। करेक्ट, उनका भी योगदान उतना रहता है लेकिन उनको महत्व नहीं मिल पाता, उसके बारे में कहते हैं। हाँ, यही है कि एक्चुअली स्कूल और कॉलेज के टीचर्स के ऊपर बाकी भी जिम्मेदारियाँ होती है अपार्ट फ्रॉम टीचिंग। उनको अटेंडेंस होता है, उनको ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जिम्मेदारी होता है, बट कोचिंग क्लासेस वाले का फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का एकेडमिक डेवलपमेंट होता है। और कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट सिलेक्ट करता है, तो जो कोचिंग क्लासेस उनको बेहतर शिक्षा देता है वही वो ज्वाइन करता है, और कोचिंग क्लासेस का डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स बढ़ाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता ही है। बेस्ट प्रेजेंट क्लासेस जी सर,
संबंध में क्या आपकी? मेरा लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट बोलूँगा इसे। इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, इतने बच्चों का रिस्पेक्ट मान सम्मान प्यार मिला है। आज हमारे खुद के प्रोफेसर्स टीचर्स जब ये मान सम्मान देते हैं तो उसका एक आनंद कुछ और ही होता है कि तुम्हें तुम्हारे बरोबरी के टीचर्स भी मान सम्मान दे रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उनके एफर्ट आपके एफर्ट्स को। जितना महत्वपूर्ण होता है स्कूल में पढ़ाना उतना ही क्लास के जो टीचर्स होते हैं उनका भी योगदान रहता है, इस बारे में आपकी क्या राय? क्या स्कूल कॉलेजेस एक कंस्टेंट में काम करते हैं, उन्हें पढ़ाना होता है मगर उनके पास एक टाइम का कंस्टेंट होता है। हम खुद के क्लासेस चला रहे हैं तो हम वो कंस्टेंट के बगैर काम करते हैं, तो एक पर्टिकुलर कोई अगर हम टॉपिक लेते हैं तो वो टॉपिक शायद कॉलेजेस या स्कूल में उनको एक टाइम जोन में ही कंप्लीट करना होता है, हम उसे अनलिमिटेड टाइम जोन तक लेके जा सकते हैं। सेकेंड, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, हमें सर्वाइव करना है ये इंडस्ट्री में, तो हम एक खास ध्यान रखते हैं कि हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हर एक बच्चा चाहे वो वीक है या चाहे स्ट्रांग है उसका करियर बन पाए। थर्डली, बच्चे, मैं कॉमर्स में हूँ कॉलेज में हूँ, बच्चे जब कॉलेज में आते हैं तो काफ़ी बार अलग राह पर चले जाते, शायद वो कॉलेज में मिस करने लगे, एक जो अलूफनेस आता है वो नहीं आए, वो एक एटमोसफियर क्रिएट करते हैं कि जहाँ पर वो हमें सब कुछ आकर बता पाए, अपने पर्सनल प्रॉब्लम भी बता पाए, तो एक कोशिश रहती है कि यंगस्टर को एक सही राह पर हम लेकर जाए। सर जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? ये MCA हमारे बिरादरी के लोगों को रिकग्निशन देने का काम कर रहा है, बिकॉज ये जो हमारे कोचिंग क्लास इंडस्ट्री में हम सारे टीचर्स इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, आज तक कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो हमारे एफर्ट्स को रिकग्नाइज करता है। थैंकफुली समाज में हमारी काफ़ी रीच है, लेकिन ये जो एक बेस हमको मिला है MCOA की तरफ से, मैं खुद थाना भिवंडी जोन का चेयरमैन रह चुका हूँ और हमने ये देखा है कि ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सारे टीचर्स एक साथ आ पाते हैं और ये हम जश्न मनाते हैं। तो टीचर्स डे सेलिब्रेशन हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, हमारी जो खुशियाँ है उसको और जाया करने के लिए हमको एक मौका मिलता है और यही काम MCOA यहाँ पे बड़ी अच्छी से कर रहा है। थैंक यू। अमित सिंघानिया जी, क्या कहना चाहेंगे MCOA के बारे में? आज यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया हुआ है, ये दोस्तों 20 साल पुराना एक संगठन है, महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन। आज इसके इतिहास में ये एक नया पन्ना, एक नया अध्याय जुड़ा है जहाँ पे हम शनमुखानंद जी हॉल के अंदर खड़े हैं और 3000 लोगों की कैपेसिटी के अंदर आज हमने ये प्रोग्राम किया है यहाँ पे। ये दर्शाता है कि ये जो कम्युनिटी है कोचिंग क्लास ओनर्स की, ये कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी बड़ी है और कैसे करके हम स्टूडेंट्स को जो है और हर जनरेशन को हम ऊपर लेके आ रहे हैं, ये उस बात का प्रमाण है। क्लास बस MCO का और जस्ट ब्रेन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक इनिशिएटिव है जिसके द्वारा हम कोचिंग क्लास ओनर्स की आवाज़, हर कोचिंग क्लासेस ओनर्स की आवाज़, उनके टीचर्स की आवाज़ जो है एक दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये नेटवर्किंग का, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का एक नया जरिया बनेगा और यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, काफ़ी सारे ज्ञान, काफ़ी सारे ऑफर्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए स्टोर के अंदर है। डू वॉच आउट दिस पर्टिकुलर स्पेस फ्रॉम क्लास बस। थैंक यू। आई एम मिसेस पूर्णिमा शंकर अय्यर। इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट 50 ईयर्स MCOA इज great body who are working for the coaching class owners and the teachers. Hats off to their programs, because of which I am here today. Thank you so much. And as a recipient of the honor today at MCOA, I feel privileged to be a part of such a fine association. This was the need of the hour, where the teachers fraternity would come together, and MCOA has taken a lead in taking up this fine initiative. आपको भी यहाँ पे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या कहना है सर? I feel privileged and honored. MCOA is doing a great job in this particular field. सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्लस ये एक उनका और था ये सेलिब्रेशन एंड फेलिसिटेशन प्रोग्राम। तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि टीचर्स
ये वो लोग होते हैं जिनको कहते हैं कि भगवान के और माँ बाप के बाद में टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को दुनिया जीना सिखाते हैं, उनको बाकायदा बताते हैं कि क्या पढ़ाई है, क्या चीज़ें हैं, क्या है, तो टीचर्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है बिल्कुल इस चीज़ के लिए। और मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ इन सभी लोगों का कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। एजुकेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इनोवेशन विद द कमिंग इन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज़ व्हाट आई फील वेरी वेरी स्ट्रांगली फील कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों पे हमें एक्सपांड करने पड़ेंगे, हमें खुद अपने आप को अपडेट रखने पड़ेंगे एंड दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, है ना। मतलब वेन एवर देर आर पॉलिसी चेंजेस इट बिकम्स विद लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड माई थिंक टू द क्लास ओनर्स इज दैट कि इस अपॉर्चुनिटीज़ को हर किसी को टैप कर लेना चाहिए, है ना। कभी 20 साल एक 25 साल में ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आती है। नाम इजहार खान है, आई एम द फाउंडर ऑफ NTI एकेडमी, वी आर इनटू करियर काउंसलिंग एंड एडमिशन कंसल्टिंग बिजनेस। सबसे पहले मैं MCU को बहुत ही ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो प्रोग्राम है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और ख़ासतौर पर ऐसा इस मौके पर जब टीचर्स को फेलिसिटेट किया जाए, उनकी उत्साह को बढ़ाया जाए, उनके हौसले को बढ़ाया जाए, तो मैं समझता हूँ ये एक अनोखा प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए ताकि उनका मोटिवेशन लेवल टीचर्स का बरकरार रहे और आगे भी वो बच्चों को वो ट्रांसलेट होता है। ये मोटिवेशन लेवल जो ये रुक नहीं आता है, जब वो टीचर्स मोटिवेटेड होते हैं, जैसे आज के प्रोग्राम के बहुत से लोगों ने कहा भी कि वो बच्चों में ट्रांसलेट होता है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ और कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा MCU की पूरी टीम को और सारे लोगों को। हाँ, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता है। पहले मैं आपके जो चैनल है उनके सारे व्यूवर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी क्लास ऑनर्स के एक पूरी कमिटी जो है, एक एसोसिएशन जो है, एक जगह पर आई है और टीचर डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मेरे पास जो डेटा आया हुआ है, मैं OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड से प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता हूँ और यहाँ पर मुझे ऐसे परिवेक्षक इन्विजिलेटर के रूप में आमंत्रित किया गया है। कंपनी ने मुझे यहाँ पर इन्विजिलेटर के रूप में भेजा है। ये देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी में OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड का नाम लिया जाता है। आप ये बुक देख सकते हैं। तो ऐसे हमारी ये 5 एडिशन अब तक आ चुकी है। 6वीं एडिशन में आज आप जो देख रहे हैं महाराष्ट्र क्लास ऑनर एसोसिएशन का, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि जो डेटा मेरे पास अब तक आया हुआ, जो अब तक हमारी टीम ने यहाँ पे पूरा सर्वे किया हुआ है, डेटा है 1800 लोग यहाँ पर उपस्थित है अभी इस मोमेंट में। अभी मुझे मालूम नहीं जब तक ये प्रोग्राम जब पुरस्कार देने जाएंगे तब तक कितने हो जाएंगे, लेकिन अब तक जो डेटा हमारे पास है वो 1800 से ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये नाम ऑब्वियसली OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे हम दर्ज कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम से मैंने बात किया, पब्लिक डोमेन पर भी हमने चेक किया, गूगल पर हमने चेक किया कि ऐसा रिकॉर्ड कोई बना है क्या। ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं बना है। ये पहली बार एशिया के सबसे बड़े सम्मुखानंद हॉल, ये एशिया का सबसे बड़ा हॉल है और उसके अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आज बन रहा है यहाँ पर। महाराष्ट्र क्लास ऑनर एसोसिएशन की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। एक नया विचार के साथ इतने सारे लोगों को एकत्रित करना, जहाँ पे त्यौहार है, जहाँ पे बारिश है और ऐसे समय भी जहाँ पे परीक्षा की घड़ी आ गई है और ऐसे समय भी लोग यहाँ पर आए, टीचर यहाँ पर आए और सभी लोग मिलजुल कर इस रिकॉर्ड को बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।